that's very, very choices in order to pursue anything. Good morning, student. Good morning, ma'am. Today good morning, ma'am. Covalent bonds. आज का हमारा टॉपिक है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. We saw that covalent bonds are formed by sharing of electrons between atoms and ionic bonds. जैसा कि हमने देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग से. ठीक है, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होते हैं, तब बनता है आयनिक बॉन्ड. ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है. उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू टाइप ऑफ कंपाउंड. अब हम यहाँ पे जो दोनों टाइप्स के कंपाउंड हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उनमें. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. सबसे पहले यूजुअली आयनिक कंपाउंड्स और सॉल्युबल इन वाटर. आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं. जैसे कि जब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, है ना. सोडियम क्लोराइड किसका केमिकल नेम है, सॉल्ट का, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है ना. यस मैम. आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज आयन इन देम आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपोजिट चार्जेस वाले आयन होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं. ठीक है, और इसलिए जब वहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. आयनिक कंपाउंड्स आयनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और ऑन मेल्टिंग एंड देयरफॉर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, ये आयनाइज हो जाते हैं या फिर मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है. ठीक है, अभी हम जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयनिक कंपाउंड में. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी उसके जस्ट अपोजिट होता है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी. यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. जनरली अगर हम देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनने से जो कंपाउंड बनता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही.
सेकेंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड. इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में लो होता है, कम होता है. ठीक है. कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म आयन. कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि उनमें आयन्स नहीं पाए जाते, उनमें चार्जेस नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. वी विल नाउ एग्जामिन whether different ionic and covalent compounds conduct electricity or not. चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि covalent compound और ionic compound में कैसे हम electricity conduct होती है, इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है. एक्टिविटी वन, टेक फोर बीकर एंड लेबल देम ए बी सी डी. चार बीकर लेना है और उसे हमें लेबल कर देना है ए बी सी डी का. ठीक है. टेक 100 टू 150 ml वाटर इन ईच बीकर. हर एक बीकर में हमें कितना वाटर लेना है, 100 टू 150 ml वाटर लेना है. एंड प्रिपेयर सेपरेट सॉल्यूशन एज डिस्क्राइब बिलो. अब हमें सॉल्यूशन बनाना है. कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, हमने चार बीकर लिया हुआ है. ठीक है. इस तरह से हमने चार बीकर लिया हुआ है. ठीक है. इसमें सब में हमने वाटर ऐड किया है, 100 टू 150 ml वाटर ऐड किया है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. ओके. तो देखिए यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, हमने लेबल कर दिया. लेबल भी हम कर देते हैं यहाँ पर हर एक बीकर को. इसको हम ए बी सी और डी. ठीक है. अब हम इसमें डालते हैं, एक बीकर में हम डालते हैं 2 spoonful कॉमन सॉल्ट. इसमें हम क्या डालते हैं, कॉमन सॉल्ट डालते हैं. ठीक है. सेकंड बीकर में हम डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड वाटर जिसमें हमने लिया है. इसमें हम क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCl2. ठीक है. और उसके बाद हम थर्ड बीकर में क्या ऐड करते हैं, स्पूनफुल शुगर. इसमें हम क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे. और फोर्थ बीकर में हम डालते हैं 2 spoonful ग्लूकोज. ठीक है. इस तरह से हर एक बीकर में हम डालते हैं, अलग अलग मटेरियल डालेंगे और सॉल्यूशन प्रिपेयर करने. इतना समझ आया आपको? यस मैम. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट इंसर्ट 2 graphite रॉड इन बीकर. एक बीकर लेंगे हम. ठीक है. बीकर में हम देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है. ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है, एक बीकर लिया है. ठीक है. इस बीकर में क्या किया गया है, इंसर्ट 2 graphite रॉड. 2 graphite रॉड को यहाँ पर डाला गया है. ये देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड दिखा रहा है, 2 graphite रॉड डाले गए हैं इसमें. कनेक्ट दिस रॉड टू अ बल्ब. इसे हम किससे कनेक्ट करते हैं, बल्ब से कनेक्ट करते हैं. यहाँ से देखिए ऊपर से आपको दिख रहा है बल्ब से कनेक्ट हुआ हुआ है ये रॉड. दिख रहा है सभी को? यस मैम. यस मैम. 9 volt बैटरी एंड अ 9 volt बैटरी एज शो इन फिगर टू कम्प्लीट द सर्किट. और अब हम इसमें क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं. यहाँ पर देखिए एक बैटरी लगा हुआ है जो कितने वोल्ट का है, 9 volt का है. 9 volt का एक बैटरी हम लगाते हैं. टेक केयर दैट द 2 rod डू नॉट टच ईच अदर टू कम इन कॉन्टेक्ट. हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 2 rod है वो एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आने चाहिए. ठीक है. तो क्या ये बल्ब जलेगा, चलिए अब हम इसको देखते हैं. हमने 4 बीकर लिए थे, है ना. इसी तरह से सर्किट हमें बनाते जाना.
और आपको बताना है कि क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। ठीक, जैसे हमने एक में क्या ले लिया, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। मैम जल जाएगा, जलेगा है ना, क्योंकि NaCl क्या है, NaCl आयनिक है, ठीक है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसलिए बल्ब जलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो कैल्शियम क्लोराइड है, जो दूसरे बीकर में हमने कैल्शियम क्लोराइड एक महीने का वाईफाई लगते हैं, ब्रॉडबैंड लगवाएगा अभी 400 रुपए का, अभी 100 kbps चल रहा है, अभी 100 mbps चलेगा। कोई नकुल अभी एक ही पेज लिखा है इतना, जैसे अभी मैंने शांत ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आयनिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो हमने जो जो सॉल्यूशन बनाया है, चारों सॉल्यूशन में हम इसी तरह से सर्किट बनाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाएंगे या फिर हम एक बीकर में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसमें वन बाय वन करके सॉल्यूशन को डालते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम NaCl को डालते हैं तो उसमें से बल्ब जलने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। उसके बाद जब हम कैल्शियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी जो बल्ब है वो जलने लगता है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम उसमें ग्लूकोज डालते हैं और शुगर डालते हैं तो उसमें से बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, और हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? यस मैम। ओके, सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न, चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं During ionic bond formation, one atom loses electron to form cations and another atom accepts electron to form anions. जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और केटायन बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और उस पर कौन सा चार्ज होगा मैम, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा और वो क्या बनाते हैं, केटायंस बनाते हैं, मतलब कि केटायंस पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी तरह से जो दूसरा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पर कौन सा चार्ज होगा मैम, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या बनाता है, एनायंस बनाता है, मतलब एनायंस पे कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। द अपोजिटली चार्ज्ड आयन आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस चार्ज मतलब आयंस, ठीक है, जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, सेकंड हमने क्या पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, जब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं दोनों एटम, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. इज दैट क्लियर? यस मैम. यस मैम. थर्ड हमने क्या पढ़ा? देखिए थर्ड हमने पढ़ा व्हेन वन When one electron is shared between two atom, a single bond is formed. मतलब क्या है कि दो एटम के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और वैसे ही जब दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तब कितने बॉन्ड बनेंगे? मैम डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड बनता है. जब तीन इलेक्ट्रॉनों का डबल बॉन्ड, जब तीन इलेक्ट्रॉनों का ट्रिपल बॉन्ड बनता है. ठीक है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल दैट आर शेयर्ड एक्सेप्टेड और लॉस्ट इन ऑर्डर टू अटेंड इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा. ठीक है. वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर सकता है और जितने इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है वो क्या होता है? वैलेंसी होती है. क्लियर है ना वैलेंसी सभी को? यस मैम. नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो आर सॉल्युबल इन वाटर, हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन और मेल्ट. हमने अभी अभी पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है. इसीलिए जब ये वाटर में आयनाइज्ड होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं या मेल्ट होते हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर. आंसर देते जाएंगे आप लोग. ठीक है. ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? Each chlorine atom accept an electron. Each chlorine atom accept an electron. हर एक क्लोरीन एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. ठीक है. इसके बाद है अ सोडियम एटम एंड अ सोडियम आयन. ये सोडियम एटम और सोडियम आयन क्या होते हैं? आर केमिकली सेम होते हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड्स और हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम एटम और सोडियम आयन में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. क्या होगा इसका आंसर? मैम बी. बी. उसके बाद थर्ड देखते हैं. एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन. आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? मैम सी. वन एटम लॉस्ट द सेकंड एंड द सेकंड वन गेन द इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. वन एटम लूजेस एंड द सेकंड गेन्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट,
Which of the following elements loses 2 electron in order to attain inert gas configuration similar to argon? कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ऑर्गन के जैसे? जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो ठीक है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करने पर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर? कैल्शियम। क्लियर मैम? यस मैम। मैम जो फिर मैग्नीशियम है मैम, उसका भी तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो मैम उसका भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 2 8 और फिर 2 होगा, तो मैम वो भी आंसर हो सकता है क्या? हाँ वो भी अच्छी। देखिए एक मिनट, है ना, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है मैम? 12 होता है ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मैम। 282 282 मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर सकता है ठीक है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बोला गया है जो ऑर्गन के जैसे ठीक है, तो ऑर्गन के जैसे कौन लूज करता है मैम? कैल्शियम। कैल्शियम ठीक है, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम आएगा। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? डबल बॉन्ड किसके बीच पाया जाता है, कौन से मॉलिक्यूल के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है? कौन से मॉलिक्यूल के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है? मैम C2H। सी क्लोरीन के बीच में है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए मैम? 7 7 होता है ठीक है। तो अच्छा देखिए आउटर मोस्ट, सॉरी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287 है ना, और यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, तो दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। देखिए 1 क्लोरीन एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसी तरह से दूसरे क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों क्या करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, शेयरिंग होगा ठीक है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यस मैम ठीक, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं ठीक है, जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ठीक है, और क्या बनता है? मैम कंप्लीट, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा Cl2। उसके बाद फिलिप्स देखते हैं, सोडियम एटम ब्लैंक एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। सोडियम एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को? मैम सोडियम एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट सोडियम क्लोराइड ठीक है, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ठीक है। यस मैम। टू एटम ऑफ नाइट्रोजन शेयर, नाइट्रोजन के 2 एटम इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं ना, कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं? हाँ
इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है नाइट्रोजन के बीच में? मैम नाइट्रोजन के बीच में कितने? 3 का इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इनर्ट गैसेस इज? यहाँ आ जाएगा कोवेलेंट, बट इन केस ऑफ हीलियम इट इज इलेक्ट्रोवेलेंट। ठीक है, हीलियम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में, जब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बट हीलियम के केस में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इनर्ट गैस इज 8 और बट इन केस ऑफ हीलियम इज 2। और फोर्थ में आएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज कोवेलेंट बॉन्ड बट मैग्नीशियम क्लोराइड हैज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लास्ट आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। मैम सॉल्युबल, सॉरी सॉल्युबल इन वॉटर, बट कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वॉटर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप में सेंड कर रही हूँ, नोट करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज नोट करके चेक करवाइए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेंड हो जाएंगे। ठीक है मैम, फोर्थ वाले का फिर से बताओ तो। फोर्थ वाले का आंसर है क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज कोवेलेंट बॉन्ड बट मैग्नीशियम क्लोराइड हैज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस मैम, ओके, क्लास इज ओवर, कंप्लीट करके चेक करवाइए इसका।